हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज़ रोहित गर्चा, दिस इज़ अभिमन्यु IAS which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture and for complete course, watch till the end of the video, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. All right. Let's begin. Page number 3. तो SEBI is planning for 1 hour settlement. ठीक है, इससे पहले जनवरी से पहले तक हमारी चलती थी T+2। पता है इसके बारे में? जब आप securities अपने डीमैट अकाउंट पे बेचते हो तो आपके अकाउंट, अब समझना इस बात को, जब आपने अपने securities या bonds, जो भी आपने खरीदा है, shares for that matter, आपने जब बेचे तो आपको T+2 की settlement मिलती थी जनवरी से पहले, जनवरी 2023 से पहले। T+2 मतलब जिस टाइम पे आपने ट्रांजेक्शन करी है उससे 2 दिन के बाद आपके पास पैसा आता था, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर भेजना होता था, दूसरे दिन आपके पास पैसा आता था, राइट। जनवरी में इसको चेंज करके T+1 कर दिया कि अगर आपने आज अपनी सिक्योरिटीज बेची हैं, राइट, आपके डीमैट अकाउंट के ऊपर। डीमैट अकाउंट पता है? अगेन बहुत आसान भाषा में अगर आपको बताया जाए तो पहले जब आप शेयर्स खरीदने जाते थे तो आपको पर्ची पे लिख के देता था, एक मटेरियल होता था आपके पास में, तो उस मटेरियल को डी मटेरियलाइज कर दिया। तो डीमैट के फुल फॉर्म भी यही है, डी मटेरियलाइज अकाउंट। तो पर्ची की जगह आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड है, इसको डीमैट बोलते हैं, राइट। सो एक्चुअली पहले में इट वाज मैट, एक्चुअली मटेरियल होता था। तभी आपके पेरेंट लोगों की ना पर्चियां संभालने की आदत बहुत ख़राब है। आपके पेरेंट्स कहीं पे गाड़ी में जाए ना तो वो पर्चियां भर के ले आते हैं, नोटिस करना कभी, उनकी बिल्स और पर्चियां संभालने की आदत और आपकी बिल्स और पर्चियां संभालने की आदत में फ़र्क है। व्हाई? बिकॉज आपने बचपन से सीखा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, उन्होंने देखा है मटेरियल, राइट। सो जब भी आप डीमैट अकाउंट के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज वगैरह बेचते थे तो T+2 की सेटलमेंट 2 दिन बाद पैसा आता था। फिर जनवरी में SEBI ने इसको चेंज करके T+1 कर दिया। अब दे आर अर्जिंग कि 1 hour सेटलमेंट होनी चाहिए, राइट, कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी सेटलमेंट होनी चाहिए। क्या क्यों कर रहा है SEBI, इसके टाइम को क्यों कम कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ठीक है। और सही पॉइंट, तीनों पॉइंट सही हैं। किया क्यों होगा इन तीनों में से? आपका क्या पॉइंट था? फ्लो ऑफ मनी, वही है मोस्टली। आप एक ट्रेडर हो, फॉर एग्जांपल, आप उसी पे रोजी रोटी चला रहे हो अपनी, राइट। आपको, आपने आज ट्रांजैक्शन करी, आज आपने 5 लाख की सिक्योरिटीज बेच दी, लेकिन आपको पैसा आ रहा है 2 दिन बाद। Now what to do with that पैसा? You have to wait for 2 days to make another decision. और अगर मार्केट में आज कहीं पैसा, आज कहीं कोई चीज़ है, जैसे बोलिया बियर, जो भी जिस हिसाब से भी वो ट्रेडिंग करते हैं, है ना, जिस भी अप्रोच से जा रहे हैं, तो उसके बाद में उनको 2 दिन वेट करना पड़ेगा उसके ऊपर एक्ट करने के लिए, इफ़ दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट। फ्लक्चुएट हो जाएगी इट, योर कैलकुलेशंस वॉन्ट रिमेन सेम। अच्छा, नहीं वो वैसे आगे आए ना, मेरे को लगा शायद कुछ बोल रहे हैं। हाँ, क्या आप अपना काम खत्म करो ना यार, मैं देख लूंगा मेरे को जहाँ पे इन्वेस्ट करना है। 2 दिन में तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, राइट। 2 दिन में योर कैलकुलेशंस वॉन्ट स्टे सेम एंड हेयर यू आर प्लानिंग फ्यूचर ईयर्स एंड ईयर्स अहेड। कोई बात नहीं, ये भी राज एक दिन खुल जाएगा। देर इज़ अ रीज़न, आपके कोई भी स्क्रिप्चर उठाओगे ना उसमें एक कॉमन चीज़ लिखी हुई है, अगेन ऑफ टॉपिक, कि आप ना रजा च रहना सीखो, सारे बोलते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट प्लान। प्लानिंग, मैंने पहले भी बताया था, प्लानिंग एज अ कॉन्सेप्ट इट इज़ लिमिटेड बाय योर करंट नॉलेज। यू आर एक्स्ट्रापोलेटिंग योर करंट नॉलेज
फॉर एन एनवायरनमेंट विच विल श्योरली चेंज, राइट? तो आप हमेशा आपकी प्लानिंग, तभी आप हमेशा पीछे ही रहते हो. दैट्स वाई यू नीड 1 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान, 15 ईयर लॉन्ग टर्म प्लान. अब 25 साल अमृतकाल, राइट? तो आप चेंज करना पड़ेगा आपको. चलिए, तो 1 आवर सेटलमेंट का ये मतलब है कि पहले T+2, बाद में T+1, अब हम बोल रहे हैं 1 घंटे के अंदर कि यार मैं देखूंगा मेरे पैसे का क्या करना है. ये मुद्दा है इसमें. हमारे लिए टॉपिक्स क्या एक्टिव होते हैं इसके अंदर, दैट इज आपका डीमैट अकाउंट क्या है, राइट? इससे होगा क्या वो, और सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि रेगुलेटरी बॉडी है, कब बना था, क्या बना था, वो सब इंपॉर्टेंट है इसमें. चलिए, शैल वी राइट समथिंग अबाउट डीमैट अकाउंट फर्स्ट, है ना, जिसके थ्रू ये सब कुछ होना है. वेरी ब्रीफली. चलिए, एक बार सिक्योरिटी इंक्रीज एंड टू कंट्रोल फ्रॉड. फ्रॉड का इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी भी मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ ड्यूरेशन चेंज हुई है, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम जगह से मिलने वाली है. फ्रॉड फ्रूड का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा. बिल्कुल बढ़ेगा. T+2 से पहले 15 दिन का था. हाँ, तो हम उसको फटाफट करते जा रहे हैं, होना भी चाहिए ना यार. अभी आप लोगों को जब पेमेंट, जब तो लेनी है पेमेंट, तो इमीडिएटली QR कोड्स लगे हुए हैं कि अभी स्कैन कर दो, अभी भर दो, राइट नाउ जस्ट स्वाइप द कार्ड, अभी कर दो. एंड जब सेलर की बारी आ रही है, मैं अपने सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहा हूँ, देन आई एम सेड कि अभी आप 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के अंदर अंदर होगा, राइट? अगेन, इसमें कुछ चेंज थोड़ी हो रहा है, इसमें सिर्फ सेटलमेंट टाइम चेंज हो रहा है. यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी एक मेरे पास आया था कि टू कंट्रोल फ्रॉड, चेंज क्या हुआ है? कस्टमर प्रोटेक्शन है ये, एक तरह से आपके इंटरेस्ट में है ये चीज. इसके अलावा आपका डीमैट अकाउंट भी वहीं रहेगा, कुछ नहीं और चेंज हुआ है. सेबी भी वही रहेगा, एवरीथिंग इज सेम. एक्सचेंज बोर्ड कुछ नहीं बदला है, सिर्फ सेटलमेंट टाइम बदला है ना. तो अगर इधर उधर हम फालतू निकल रहे हैं इधर उधर, तो केयरफुली निकलो, है ना. डोंट गो इनटू द बैड नेबरहुड, है ना, लूट लिए जाओगे, ध्यान रखो, इधर उधर नहीं जाना. देखो वो कर क्या रहा है. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आपको मन करेगा कि यार इसमें ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है. देन जस्ट थिंक कि इसमें चेंज क्या हुआ है, एक्चुअली होगा भी या नहीं होगा, राइट? डी मटीरियलाइज्ड अकाउंट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी of holding shares and securities in an online format. तुम साथ में लिखना शुरू कर दो. Dematerialized account provides the facility. नहीं तो पत्ते मेरे भी बांट लो साथ में, एक सीप की गेम लगाई लेते हैं, 4 बजे शुरू करते हैं. Dematerialized account provides the facility of holding shares and securities in an electronic format. Second, इसी का सब पॉइंट बना के लिख लीजिए. Provides facilities for online trading. शेयर खरीद लिए तो वहीं से बेचोगे, उसी के थ्रू आपकी डीलिंग हो जाएगी. एक और सब पॉइंट बना लीजिए. ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड इन डीमैट अकाउंट. जी, मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सारी इन्वेस्टमेंट आप डीमैट अकाउंट में कर सकते हो. ब्रैकेट में लिख लो, शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है जी, सब कुछ जो भी आप मार्केट में खरीद फरोख कर सकते हो, राइट, वो सब कुछ आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। थ्री टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट्स आर देयर, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको डीमैट के बारे में पता भी है वो भी जरूर लिख ले इसको। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट्स, बहुत शॉर्ट में लिखाऊंगा, ठीक है। नंबर वन, रेगुलर डीमैट, नंबर वन रेगुलर डीमैट, इट डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट को अंडरलाइन कर लेना, डज नॉट इंक्लूड एडिशनल फीचर्स लाइक फॉरन फंड ट्रांसफर्स एक्सेट्रा। ये मतलब आप अगर आपके पास कोई सेविंग्स अकाउंट है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर रेगुलर डीमैट, ठीक है। आप अपने बैंक की अगर ऐप के ऊपर जाओगे, वो वहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि ओपन अ डीमैट अकाउंट, और आप सीधा यहाँ से वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो स्ट्रेट अवे, राइट। तो वो जो अकाउंट खुलेगा, दैट इज दिस वन, तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप बाहर फंड ट्रांसफर कर सको, बाहर कहीं इन्वेस्ट कर पाओ या बाहर पैसा भेज पाओ, कुछ नहीं कर सकते। रेगुलर है, यहीं के यहीं ट्रेडिंग होगी, यहीं के यहीं आपको पैसा मिलेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रेगुलर। नेक्स्ट वी हैव नॉन रिपेट्रिएबल उनको, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बच्चे, यार ये फैन बंद करोगे वाला, वो फिर खेलने लग जाएंगे, देखो ये नहीं, अच्छा दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये आपके मेंस और इंटरव्यू की तरह हो गए, है ना, दिस बोथ आर कनेक्टेड, ठीक है। नॉन रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट, रिपेट्रिएबल, REPATRIABLE, opened by NRIs, opened by NRIs who already have NRO account, who already have NRO account, bracket में लिखना है, बताता हूँ क्या है ये, NRO is non-resident ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, NRO अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, मतलब NRI है लेकिन इंडिया में वो सेविंग्स अकाउंट है, नॉर्मल सा अकाउंट खोला हुआ है, राइट। इस आगे लिख लीजिए इसमें साथ में और, फुल स्टॉप, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट परमिट इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर। बंदा NRI है, एक NRO अकाउंट खुलेगा, ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट खुलेगा, राइट, और आप इंडिया में डील कर सकते हो और इंडिया में ही रहेगा पैसा, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर इसमें नहीं होगा, राइट। लास्ट वी हैव रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है देश वापसी, तो जो इमिग्रेंट्स होते हैं जब उनको वापस भेजते हैं तो टर्म यूज होती है रिपेट्रिएशन, रिपेट्रिएशन ऑफ इमिग्रेंट्स, कि जिस देश से आए थे उनको रिपेट्रिएट कर दिया है, तो वो है इसका रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट, अवेलेबल टू एनआरआईज विद एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, इसमें ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है, नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, एंड
एज द वर्ड सजेस्ट दैट दिस विल एनेबल इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर. तीन टाइप के डीमैट अकाउंट खुलते हैं इंडिया में, ठीक है. ऑलराइट, सो पेज नंबर 4, नेक्स्ट पेज इस पे ओपन करिए बच्चे. सेकेंड पॉइंट जो है ऊपर से, दैट इज अ ट्रेड सेटलमेंट इज सेट टू बी कंप्लीट वंस द परचेज सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी आर डिलीवर्ड टू द बायर, है ना, एंड द सेलर गेट्स द मनी. ठीक है जी, तब हम बोल सेटलमेंट कब कंप्लीट होती है, तब कंप्लीट होती है. ये भी एक अलग से सवाल बनता है यूपीएससी में, खासकर अगर आप सेबी वगैरह का एग्जाम देते हो ना, तो उसमें इस टाइप के सवाल आते हैं. और वो T+2, T+1 वाला तो पिछले 3-4 एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, राइट. अब T+1 चल रहा है करंटली, अगर आप सेबी का एग्जाम अगर भरोगे तो डेफिनेटली आपको ये मिलेगा ही मिलेगा. इसके ऊपर, इससे अलावा कोई बनता ही नहीं है सवाल ज़्यादा. T+1 सेटलमेंट के ऊपर गिवन है. The current cycle of T+1 in India means trade-related settlements happen within a day or within 24 hours of the actual transaction, right? So, लिख लीजिए यहीं पे, यहाँ पे शायद mention नहीं है. Before, it was T+2. Before 2023, it was T+2. मतलब within 48 hours का था window, अब हमारे पास 24 hours की है. We are looking forward for 1 hour. सेकेंड पॉइंट एक फैक्चुअल पॉइंट है, अगेन यूपीएससी फेवरेट. इसी के अंदर T+1 के अंदर, इंडिया बिकेम द सेकेंड कंट्री टू स्टार्ट द T+1 सेटलमेंट साइकिल इन द टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज आफ्टर चाइना. ठीक है, तो जो आपका पॉइंट था यहाँ पे एक का, राइट, कि वेस्टर्न इकोनॉमीज बहुत फास्ट चलती हैं ऑलरेडी, नहीं चलती हैं. नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे हम हैं, और जब जैसी 1 आवर सेटलमेंट हो जाएगी, नंबर 1 पे होंगे, है ना. फिर तो हम बन जाएंगे विश्वगुरु जैसे ही 1 आवर सेटलमेंट हो जाएगी. बट वी हैव टू टेक मेनी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, राइट. अब हमारे पास एक ब्रॉड विजन है कि क्या करना है, राइट. चलिए, बेनिफिट्स ऑफ 1 आवर ट्रेडिंग. इसमें जो लास्ट पॉइंट, बाकी आप देख लेना, जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज द मूव इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द वॉल्यूम इन कैश सेगमेंट एज वन वुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टॉक टू अनदर ऑन द सेम डेट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सेटलमेंट. ठीक है, वही बात कि मैंने डिसीजन लेना है तो मैं सेम डे ले सकता हूँ डिसीजन. अभी पैसा आएगा, अभी मैं दूसरे में लगा दूंगा. ऑलराइट, लेट्स राइट समथिंग ऑन सेबी. अगेन प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स करेंगे डिटेल में, सेबी क्या करता है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी और इस टाइप की रेगुलेटरी बॉडी है, क्या है, ये आप बाकी देख लेना. मैं आपको मेन मेन चीजें बता देता हूँ इसमें. सेबी की फुल फॉर्म बता. आय हाय, क्या बात है, वाह, दिल खुश कर दिया तुम्हें. अरे अब लग रहा है तुमने जो लाखों की फीस भरी है वो पीछे लिखा हुआ है क्या. अच्छा, तभी मैं सोचूं इतना ऐसे एक एक साथ में बोला है, ये तेज कैसे हो गए हैं ये. लिख लो फिर यहां से सेबी की फुल फॉर्म, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Was first established as non-statutory body, मतलब कोई act के साथ में backing नहीं थी उसकी. First established as non-statutory body in 1988. Second point, acquired the statutory powers. ये हिमाचल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑन 30th January 1992 थ्रू सेबी एक्ट 1992.
मेंबर्स ऑफ सेबी, चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, टू मेंबर्स जो कि ऑफिसर्स होंगे फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, टू मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, वन मेंबर फ्रॉम आरबीआई। ये याद कर लेना साथ साथ ही, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। रिमेनिंग फाइव मेंबर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब चेयरमैन और बचे हुए पांच मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। और इसी के ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, थ्री आउट ऑफ फाइव शुड बी फुल टाइम मेंबर्स। किस मिनिस्ट्री के अंडर है सेबी, ये तो नहीं लिखा यहां पे। हाँ, अब आया ना मजा। किस मिनिस्ट्री के अंडर है सेबी, क्या कर रहा है सेबी? ट्रांजैक्शन कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट को कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, सिंपल। बाय द वे, रिसेंटली जो अभी करंट सेबी के चेयरमैन है, दैट इज द फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ सेबी एज वेल, एंड फर्स्ट वन जो कि नॉन आईएएस कैटेगरी से आए हैं, राइट? अगेन लिख ले इसको भी, है ना, आ सकता है पेपर में, छोटे वाले एग्जाम में तो डेफिनेटली आएगा, उनके पास और है ही क्या पूछने को। मधाबी पुरी, एम ए डी एच ए बी आई, यूपीएससी नहीं पूछने वाला इस पे। मधाबी पुरी, पी यू आर आई, बूच, बी यू सी एच, ये पूरा नाम है। मधाबी पुरी बूच, मैं शायद गलत बोल रहा हो सकता हूं, पर यही है। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, फर्स्ट नॉन आईएएस चेयरपर्सन। चेयरमैन नहीं लिखना, वुमेन को आप चेयरमैन कैसे लिख सकते हो? चेयरपर्सन, जेंडर न्यूट्रल टर्म्स, राइट? कमिंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, फर्स्ट नॉन आईएएस चेयरपर्सन, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इसमें, चले जी आगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है ना, इन्होंने बोला है कि हम बीओटी मॉडल को दोबारा रिवाइव करना चाह रहे हैं। अभी रुक गया था पिछले कुछ समय से, राइट? इफ़ वी हैव अ स्टैट हेयर, तो भारतमाला के अंदर जो बीओटी के अंडर है, ओनली 1.4% प्रोजेक्ट्स आर अंडर बीओटी, बिल्ड ओन ऑपरेट, बिल्ड ओन ट्रांसफर। इसके दो नाम है, यहीं पे साइड पे लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड बीओओटी। तो बूट मॉडल और बॉट मॉडल, ये दोनों सेम है, ऑल्सो कॉल्ड बीओओटी, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। ठीक है, अगेन बहुत आसान भाषा में समझते हैं पहले इसको, ज्यादा कुछ नहीं है। आप एक प्रोजेक्ट डिसाइड करोगे, आप सरकार हो, आप प्रोजेक्ट डिसाइड करोगे, उसके बाद में आप कंपनी से पूछोगे भी कौन इसको बनाएगा, कंपनी ही बनाएगी। अब रादर देन गिविंग द पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे? कंसेशनल क्रेडिट, ठीक है, और थोड़ी सी लिबरलाइजेशन इन लॉज, जो पास एनजीटी वगैरह से पास करवाना है, वो सब चीज़ें आप जल्दी करवा के दोगे। और आप बोलोगे कि अगले कुछ फिक्स टाइम के लिए ये प्रोजेक्ट आपका है, जितना भी टोल आएगा ये आप रखोगे, ठीक है। दैट आपका tells you about कि you build, you own, you operate, and after a fixed amount of time you transfer it, फिर सरकार का प्रोजेक्ट हो जाएगा। जो अभी आजकल वो टोल्स बंद होते नहीं फिर रहे,
है ना, वो इस मॉडल के तहत थे कि उनके पास में था, फिर वो एक्सटेंशन मांगते रहते हैं कि हमारी कॉस्ट पूरी नहीं हुई है या फिर इन्फ्लेशन हो गई है तो हमको थोड़ा 5 साल की एक्सटेंशन और दे दो, है ना। वैसे जनरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं दे कैन नॉट गो बियॉन्ड 30 ईयर्स, और अब तक मैक्सिमम जो अलॉट हुए हैं वो 20-20 साल के ही हुए हैं कि 20 साल तक आप टोल वहाँ पर लगा सकते हो, राइट। इसके अलावा देर आर टू अदर मॉडल्स ऑल्सो, एक को बोलते हैं हम ईपीसी मॉडल, लिख लें इसको, आ जाओ लिख लो, BOOT, समझ गए आप। अगर इसको टेक्निकल में भी समझना है तो यहाँ पे आई थिंक मैंने मेंशन किया होगा कहीं पे, हाँ, अबाउट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, पेज नंबर 5 पे पहले वो देख लो। इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड वेयर इन अ प्राइवेट एंटिटी रिसीव्स अ कंसेशन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, क्या मिल रहा है उसको, टू फाइनेंस डिजाइन कंस्ट्रक्ट ओन एंड ऑपरेट अ फैसिलिटी स्टेटेड इन अ कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट आपका 20-30 ईयर्स, राइट। द प्राइवेट एंटिटी हैज द राइट टू ऑपरेट इट फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम विच इज नॉट बियॉन्ड 20 ईयर्स, जनरली टेलिंग, अब तक कोई आया नहीं है इससे ऊपर का प्रोजेक्ट। इसमें जो आप सेकेंड लास्ट प्रोजेक्ट देखेंगे, आप सेकेंड लास्ट पॉइंट देखेंगे, दैट बीओटी प्रोजेक्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट रोड बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज विद हाईएस्ट एफिशिएंसी। प्राइवेट एंटिटी कर रही है तो वो तो एफिशिएंसी का काम करेगी करेगी, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कॉस्ट, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतनी कम कॉस्ट, राइट। एफिशिएंसी का मतलब यही है वैसे तो, बिकॉज आपने प्रोजेक्ट कितनी जल्दी कर दिया, एक ये मेजरमेंट है आपके पास, टाइम मेजरमेंट है, दूसरी मेजरमेंट है ही मनी, राइट। इफ़ यू वॉन्ट टू क्वान्टिफाई द एफिशिएंसी तो आप क्वान्टिफाई या तो मनी में करोगे, टाइम करोगे, जो दो चीज़ें मेजर की जा सकती हैं। इसके अलावा हाउ यू फील अबाउट द प्रोजेक्ट, ये अगर खरड़ का पुल बन रहा था तो नीचे कितनी मिट्टी उड़ती थी, जाम लगता था, यू कैन नॉट मेजर इट। मेजर कैसे करोगे, अल्टीमेटली इसको भी आप पैसे में कन्वर्ट करते हो कि एवरी डे ऑफ डिले के बाद में इतना खर्चा हो रहा था जी फालतू, राइट। ऑल राइट, अदर सिमिलर मॉडल्स, और कौन से दो मॉडल्स हैं बेसिकली जो सरकार जिसके ऊपर काम करती है, अदर मॉडल्स, नंबर वन, ये आपके आएगा पेपर में, ये पूछ लेते होते हैं डायरेक्टली, इंजीनियरिंग कॉमा प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी मॉडल बोलते हैं इसको, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी मॉडल, प्रोक्योरमेंट PROCUREMENT, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। बेसिकली ये जो BRO वाले करते हैं ना, वो EPC मॉडल के तहत करते हैं, इसमें सारा खर्चा सरकार उठाती है, एवरीथिंग, प्लानिंग से लेके वही प्रोक्योरमेंट से लेके एवरीथिंग सरकार करती है। लिख लीजिए, द कॉस्ट इज कंप्लीटली बॉर्न बाय, द कॉस्ट इज कंप्लीटली बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, कॉमा, बट इट इन्वाइट्स बिड्स फॉर इंजीनियरिंग नॉलेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली इंजीनियर हायर कर रही है तो वो तो प्राइवेट कंपनी भी करेगी ही, बट इट इन्वाइट्स बिड्स फॉर इंजीनियरिंग नॉलेज फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। Bids for engineering knowledge from the private players. देखो अब सरकार का काम है, समझो इस चीज को, ईपीसी मॉडल क्या चीज है, सरकार का काम है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना, राइट। एक मेथड यह है कि सरकार ही पूरा खर्चा जो है वो करके देगी। इसमें होता ये है कि आपका प्राइवेट सेक्टर तो पूरी तरह कट हो गया जो कि प्रॉफिट के लिए आया था, लेकिन सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ गया, और हम लोग तो आपको पता ही है हम कितने ज़्यादा फिस्कल सरप्लस में चलते हैं हर साल, है ना, फिस्कल डेफिसिट है हमारा बहुत ज़्यादा,
तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, अगेन बहुत आसान भाषा में अगर समझे तो, कि जितना मेरा खर्चा होने वाला है वो ज़्यादा है जितनी मेरी इनकम है उससे, तो मेरे पास गैप है एक, राइट। सो ये आपका ईपीसी मॉडल है, लिख लो इसको भी सेकंड, एक और लाइन लिख लो यहाँ पे, थोड़ी क्लैरिटी रहेगी जब भी पढ़ोगे। द प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन इज मिनिमल, बट इट लीड्स टू हाई फाइनेंशियल बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। ये एक ही लाइन में इसका सारा आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, बट लीड्स टू हाई फाइनेंशियल बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। हाँ, सरकार को कहाँ आता है, सरकार के पास बट पीएसयूज है ना हमारी, आपके पास में आईआईटीज हैं, आपके पास में ग्रेजुएट्स हैं, आपके पास में प्रोफेसर्स हैं, बाकी सारे लोग हैं, तो आप प्राइवेट प्लेयर से भी ले सकते हो, अपने भी ले सकते हो। जैसे फॉरेक्स हाँ, तो बिड इनवाइट करना, काम देना थोड़ी होता है, ले सकते हैं बिड्स इनवाइट कर लेते हैं। मतलब यार अगर मैं अभी नीचे दुकान पे जाके अगर मैं मैंगो शेक का रेट पूछ लूंगा तो मेरे को लेना ही थोड़ी पड़ेगा। कैसे मतलब हाँ बिड्स सही बोल रहे हैं वो, तो बिड्स इनवाइट करते हो आप सरकार के पास एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जांपल, अगर आप लोग वो अटल टनल क्रॉस करी है, किसी ने करी हुई है राइट, उससे पहले ना एक ऑल वेदर स्ट्रेच आता है रोड का, जिसके अंदर रोड गोज अंडर अ टनल टाइप ऑफ थिंग, लेकिन इस तरह विंडोज बनी हुई है। सो बेसिकली वो प्रोजेक्ट क्या है ना, कि अगर एवलांच आता है सो वो रोड ना लेके जाए, तो एवलांच आप सड़क के ऊपर से गिरा देते हो। सो दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट इज कम्प्लीटली डन बाय बीआरओ, बट उसकी जो टेक्निकल नो हाउ है वो उन्होंने एलएनटी से ली थी राइट, तो वहाँ से उन्होंने वो बिड्स वगैरह इन्वाइट करके उनसे टेक्निकल नो हाउ लिए, प्रोजेक्ट वो बीआरओ का ही है। और एलएनटी से क्यों लिए, बिकॉज दे हैव वर्कड इन जो कौन सी कंट्री है यार वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, स्विट्जरलैंड राइट, तो उन्होंने वहाँ से सीखा हुआ है। तो इस ये टेक्निकल आप नॉलेज कहीं से भी लोगे, लेकिन प्रोजेक्ट वो गवर्नमेंट का ही है, एक एक रुपया सरकार का जाएगा। ठीक है जी, ये तो बहुत सिंपल है, चले आगे। नेक्स्ट इज हाइब्रिड एनुइटी मॉडल, हाइब्रिड एनुइटी, ए डबल एन यू आई टी वाई। नाम से समझ में आ रहा होगा, एनुइटी का मतलब होता है, मतलब बिल्कुल लिटरल मतलब एनुइटी का होता है एनुअल पेमेंट्स, है ना, एनुइटी का मतलब एनुअल पेमेंट्स होता है। यहाँ पे क्या है कि सरकार ना कुछ पोर्शन सरकार देती है लगभग 40% के आसपास, और जो आपका 60% है वो बीओटी मॉडल में चलता है, तो पार्टनरशिप हो जाती है। जब हम पीपीपी की बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली अ पीपीपी मॉडल। यहाँ पे लिख लीजिए एचएएम, मतलब ये जो हैम मॉडल बोलते हैं उसको, एचएएम कंबाइंस द ईपीसी मॉडल 40% ब्रैकेट में, कंबाइंस द ईपीसी मॉडल एंड बीओटी 60%। ठीक है, तो जो एनएचएआई है वो 40% कॉस्ट देती है और 60% कंपनीज खुद से करती हैं, और जो पेमेंट है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ये लिख लो, पेमेंट इज रिलीज्ड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट।
क्यों कर रहे हैं रिवाइव इसको, सोचो जरा, अब लगाओ दिमाग। गवर्नमेंट पे बर्डन कम आए, एक्सपर्टीज आ जाए। दोबारा सुनो, इसको रिवाइव क्यों कर रहे हैं? आप मेरे को ये बता रहे हो कि बीओटी मॉडल क्यों है, रिवाइव क्यों किया जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा ये बीओटी, क्योंकि आप जब उसको ऑपरेट कर रहे हो तो वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो ठीक है। और बताओ, सोचो, कुछ तो यहाँ पे गिवन है, नीड फॉर रिवाइवल, कुछ हम सोचेंगे, पहले देख लेते हैं क्या गिवन है, थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा। पढ़ रहे हो? हाँ, देख लो इसको। सो मार्केट जब भी इम्पैक्ट होती है ना, तो प्राइवेट सेक्टर इमीडिएटली इम्पैक्ट होता है, और इसके बाद में वो भागता है लोन वोन लेने के लिए इमीडिएटली, है ना। चलिए और देखो इसमें, हाँ अब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं थोड़ा सा। प्राइवेट प्लेयर्स आपके पास में इनोवेशन लेके आते हैं, है ना, और एफिशिएंसी लेके आते हैं, राइट। और बताओ, डालो, कौन रोक रहा है? हाँ हाँ कौन, हु इज स्टॉपिंग, बताओ मेरे को, पॉइंट फॉर्म करके बताओ क्या बनेगा। बात सारी हवा में है, कुछ लैंड करने का मत सोचना इसको। हाँ जी, हाँ, कि एक टाइम पे ये रुका था, है ना, और अब हम इसको रिवाइव आसानी से कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ना क्यों रुका, क्यों था ये, क्योंकि बैंक्स ने ना इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर लोन देने बंद कर दिए थे। Now that the health is going better, banks are willing to give loans. तो सरकार को दिख गया कि यार now banks are willing to give loans, तो BOT model चला देते हैं, तुम वहाँ से लोन लो, है ना, concession पे हम दिलवा देंगे, कोई बात नहीं, 2-3% interest rate दे देना, पर ultimately सरकार का पैसा बचेगा और revival के ऊपर जाएगा ये। और सरकार वैसे भी अपने हाथ पीछे खींच रही है अब, है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस जैसे अभी जो HAM है ना, HAM और इसमें सरकार PPP में चली जाती है उसके साथ में, कि अभी आप रखोगे बाद में हमारे को दे दोगे, राइट। चलिए चलें आगे, सिंपल इनफ। इस पे भी वैसे एक सवाल बन सकता है कोई, बट आई थिंक एक सवाल बहुत है आज के लिए, क्या कहते हो? BOT के ऊपर भी लिखना है, अ कंप्लीट ट्रांसफर, अ कंप्लीट ट्रांसफर टू द BOT मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्शन, टू द BOT मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्शन is the best way for national development. क्या करोगे, कॉमेंट करोगे, डिस्कस करोगे, ये एनालाइज करोगे? एनालाइज पहले वाले में क्या किया हमने, एनालाइज किया इसको, फिर आप कॉमेंट या डिस्कस क्या करोगे, बताओ क्या मन है, कॉमेंट करना है, डिस्कस करना है? डिस्कस करना है, कॉमेंट कर लो, चलो। थोड़ा तो अनकंफर्टेबल हो, एक तरफ को, है ना, जिधर को तुम्हारा रुझान है।
साइड पे दो चार पॉइंट्स लिख लीजिए जरा, जहां पे ये गिवन है ना लास्ट में ईपीसी अकाउंटेड फॉर, ये इसके साथ में लिख लीजिए द गवर्नमेंट हैज सेट, गवर्नमेंट हैज सेट एन इंटरिम टारगेट ऑफ 10%, गवर्नमेंट हैज सेट एन इंटरिम टारगेट ऑफ 10% 10% शेयर ऑफ बीओटी इन रोड प्रोजेक्ट्स। हमारे करंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले भी हो रहे हैं, जिस रोड प्रोजेक्ट को 10 साल लगने थे वो 15 हो गए हैं, कंप्लीट नहीं हो रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं 2017-18 में पूरे हो जाने थे, कोविड आ गया अभी तक नहीं पूरे हुए हैं। जो बीओटी मॉडल है ना, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो जल्दी से कर देते हैं काम को, क्योंकि उनको तो फटाफट टोल लगाना है, राइट। सरकार के पास ऐसा कोई मोटिव होता नहीं है, मतलब ये कहना सही नहीं होगा कि सरकार के पास ऐसा कोई मोटिव नहीं होता है, बट रियलिटी सेज दिस है ना ये। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास में ये मोटिव होता है, तो आपके जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो लटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी तेज चलेंगे, राइट। सो इसीलिए बीओटी की तरफ शिफ्ट होना ये हक में है। चलें आगे, चलिए जी, ये हमने पहले भी कवर किया था। सो ये अभी न्यूज में इसलिए आया है कि इसके ऊपर डेटा आया हुआ है, डेटा रिलीज हुआ था इसका, कि इन्होंने 107,156 बेनिफिशरीज जो है उनको इफेक्ट कर दिया है। 213 करोड़ रुपए इसके अंदर ऑलरेडी हमने खर्च कर दिए हैं, इस टाइप की न्यूज आई थी इसके अंदर, राइट। थोड़ा सा स्कीम को अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं, दैट ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आप देखेंगे, टू इंक्रीज द स्किल लेवल्स, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, टू इंक्रीज द स्किल लेवल्स ऑफ the target youth by providing them skills followed by assistance in wage and self-employment, ठीक है जी। तो self-employment के around revolve करती है ये scheme। इसके बाद में जो छोटा मोटा इसके अंदर aims वगैरह given है, ये आप अपने level पे देख लेना। What we'll do today is कि हम ना category wise इस ministry की, ministry of social justice की scheme है, हाउएवर इफ यू सी तो ये स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अलग से भी है, राइट। सो ये पर्टिकुलर स्कीम खासकर कन्फ्यूजन का मुद्दा रहती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर जितनी भी स्कीम्स हैं, कैटेगरी वाइज मेन मेन स्कीम्स लिख लेते हैं ताकि आपका डन हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, राइट। तो अगर ऑप्शन आएगा तो उनमें से आपको पता लग जाएगा सोशल जस्टिस की ये वाली है, नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना, ठीक है। या फिर हो सकता है कि हम सारी मिनिस्ट्रीज कवर कर दें एक एक करके ऐसे। यहाँ पे आप साइड पे लिख लीजिए फर्स्ट पेज के उधर की एलिजिबिलिटी, पेज नंबर 5 पे नीचे लिख लीजिए एलिजिबिलिटी। एज ग्रुप याद है किसी को, एज ग्रुप यूथ की बात हो रही है, कितना होगा? वाओ, इस हिसाब से तुम लोग यूथ नहीं रहे। 18 to 45 लिख लीजिए कैंडिडेट्स, बट ठीक है एटलीस्ट तुमने लोअर वाला तो सही बता दिया। कैंडिडेट्स ऑफ एज ग्रुप 18 to 45 बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का जनरल कैटेगरी का नहीं है। Following categories, SC, OBC, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ST नहीं है इसमें, हमारे पास अलग से मिनिस्ट्री है उनके लिए पूरी, राइट। तो उनकी स्कीम्स वहां चलती हैं, SC, OBC, OBC में लिखिए, OBC having annual family income below 3 lakh, हाँ जी बच्चे ये डिफरेंट होता है, इसमें कमेंट, डिस्कस, एनालाइज सबका मतलब डिफरेंस है इसके अंदर। इस क्लास के अंदर तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए पूरी वीडियोस बनी हुई हैं कि क्या मतलब है इसका डायरेक्टिव्स के लिए बंसल सर की, तो आप अपने डैशबोर्ड पे चेक कीजिए, उसको मिल जाएंगी, वहाँ से सीखिए उसे। OBCs having annual family income below 3 lakhs, ये याद कर लेना, खासकर ये जो PCS वगैरह आ रहा है उसके लिए। EBCs
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBCs हैविंग एनुअल फैमिली इनकम बिलो 1 लाख नेक्स्ट इज सफाई कर्मचारी इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स लास्ट इज डी नोटिफाइड ट्राइब्स D-notified tribes, ठीक है, DNT बोलते हैं इसको, D-notified tribes, ये भी tribes की भी categories होती हैं, some are PVTGs, particularly vulnerable tribal groups, then we have D-notified tribes, then we have notified tribes, आपकी ST category, right? चलिए, अब हम ना schemes को divide करके लिखेंगे, so आप देख लो कैसे लिखना है आपने, heading डलेगी साथ में उसके. नंबर वन इज एनजीओज स्कीम. मैं आपको मेन ही लिखवाऊंगा इसके अंदर. पूरी स्कीम्स के लिए आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, राइट, और इमीडिएटली आपको लिंक भी मिल जाएगा सेम स्कीम का, और उस स्कीम के बारे में वहीं के वहीं पढ़ के खत्म कर देना. नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन. एनजीओ के लिए स्कीम चलती है ना, वो है ये. नेक्स्ट इज इसी के अंडर अटल वायो अभ्युदय योजना, VAYO, अटल वायो अभ्युदय, ABHYUDAY योजना. श्रेष्ठ SH कैपिटल्स में SHRESHTA, ये स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज. ये इसको लिखवाने के पीछे ना एक मकसद है, एनीथिंग ड्रग रिलेटेड, राइट, वो आपको इस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर मिलेगी स्कीम, वो है ना. तो UPSC डायरेक्टली पूछ लेता होता है कि ये स्कीम है ये किसके अंडर है, ये बॉडी है ये किसके अंडर है. तो एनीथिंग रिलेटेड टू ड्रग्स, ड्रग यूज कम करना है, एल्कोहलिज्म कम करना है, ये सब चीज़ें कम करनी है, तो ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है और ये NGOs के थ्रू में स्कीम होती है, राइट. सो राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, जो मैंने बोली ये बात अभी. तो इसके जो बाकी स्कीम्स है ना पूरी नहीं लिखते, पर जो बाकी स्कीम्स है, इट इज स्कीम फॉर नेशनल अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज. देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, है ना. तो ड्रग्स से अराउंड जितनी भी स्कीम्स हैं वो ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हैंडल करती है, राइट. नेक्स्ट इज एजुकेशनल स्कीम्स. एजुकेशनल स्कीम्स के अंदर भी इसमें ट्रेंड देखने को मिला है, दैट एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन जिसके अंदर वो उनको फाइनेंस कर रहे हैं या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर कैटेगरीज अदर देन योर जनरल एंड ST कैटेगरी, वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, राइट. लिख लीजिए एजुकेशनल स्कीम्स. एजुकेशन लोन्स प्रोवाइडेड बाय NBCFDC कैपिटल्स में, प्रोवाइडेड बाय NBCFDC, ये नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये PSU है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर, राइट. तो उसके थ्रू बहुत सारी स्कीम्स निकलती हैं, बहुत सारी इस टाइप की लोन्स और ये सब निकलता है, अवार्ड्स वगैरह निकलते हैं, तो वो एक PSU है आपके गवर्नमेंट के अंडर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस. तो ये थोड़े से पॉइंट्स तंग करने वाले होते हैं, बिकॉज इसके अंदर ना नाम आ गया है फाइनेंस, तो आप इमीडिएटली कंफ्यूज हो गए कि फाइनेंस है ना, और डेवलपमेंट की बात हो रही है और एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इट माइट बी अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दोनों ही नहीं है, ये इधर है,
ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स, ट्रेंड पकड़ना इसके अंदर, क्योंकि स्कीम्स की लिस्ट बहुत ज्यादा है, आप सारी वैसे ही नहीं याद कर पाओगे, ट्रेंड देखो बस। नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी है ना, इसको एनएफ ओबीसी बोलते हैं, नेशनल एनएफ डैश ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी। अगेन लेट मी टेल यू, जैसे कोई भी स्कीम आ रही है ना कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर ओबीसी कैटेगरी, ये वो एससी कैटेगरी, राइट? सो दिस इज द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो उसको हैंडल करती है एंड इट फॉल्स अंडर द एजुकेशनल स्कीम्स उसकी, राइट? ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिखते, तुम समझ गए ना पॉइंट? एक इसमें बस जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, वो लिख लो यहाँ पे, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप वो ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हैंडल करती है। ये जो मैं स्कीम्स आपको लिखवा रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, ये वो वाली हैं जिससे कन्फ्यूजन हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मत मार्क कराना। इन एन एग्जामिनेशन जहाँ पे 50% के करीब कट ऑफ जाती है, तो दिस वन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज 1% ऑफ योर मार्क्स, तो 50 में से 1% ये चीज़ है, राइट? सो दैट इज वाई ईच एंड एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। ऑल राइट, स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्या करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस? एक तो यही है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, पीएम दक्ष, स्किल बढ़ाने वाली, ये कंफ्यूज करेगी आपको कि स्किल वाली है तो शायद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की होगी। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये बातचीत चल रही है बाहर किसी से आपकी? अच्छा ठीक है, इस वाली से आवाज नहीं आएगी पर सिर मत मारना, ठीक है? सेम आपको है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस, ये इसलिए लिखवाया जा रहा है आपको कि आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो यहीं पे फोकस करके याद कर लो इसको, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बेसिकली एनी स्कीम जिसके अंदर आपको ओबीसी, एससी या फिर ये सफाई कर्मचारी, ये वाली स्कीम दिखेगी और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात हो रही है, सो इट इज़ डन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है जी? फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर कोई स्कीम होएगी जो इसके अराउंड घूम रही होगी, आई विल टेल यू। फिलहाल के लिए आप यही मान के चलो कि कोई भी फाइनेंशियल जो चीज़ उनको प्रोवाइड हो रही है दैट इज थ्रू सोशल जस्टिस, राइट? लास्ट इज सोशल एम्पावरमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली काम इसका यही है, इसके थ्रू भी यही अचीव करना चाह रहा है ये। कास्ट सिस्टम से क्लास सिस्टम की तरफ को लेके जाना चाह रहा है, राइट? जब आपके पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा आ जाता है तो आप कास्ट सिस्टम को बाईपास कर देते हो, आप क्लास सिस्टम में आ जाते हो। क्लास सिस्टम इज गवर्न्ड बाय मनी, कास्ट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय योर बर्थ, तो कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती, क्लास सिस्टम के अंदर मोबिलिटी पॉसिबल होती है। दैट इज वाई वी वॉन्ट टू गिव देम अपॉर्चुनिटी कि तुम कास्ट सिस्टम से निकल के क्लास सिस्टम में आ जाओ, जितनी मेहनत करोगे उतना ऊपर नीचे तुम जा सकते हो। लिख लीजिए इसमें, ये पीएम अजय एक स्कीम है, पीएम अजय, पीएम डैश अजय, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय। देन वी हैव स्माइल, जो कि आप कर नहीं रहे हो बहुत टाइम से, स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स। हाँ ये थोड़ा बोरिंग तो हो रहा है ना, मेरे लिए भी है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स,
फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। पीएम यशस्वी, YASAVI, ये यंग अचीवर स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स हैं बाय द वे। पीएम यशस्वी, बस इतने उदास चेहरे मैं नहीं देख सकता, तुम खुद ही कर लेना स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, एक बारी वहां पे चक्कर मार लो, ट्रेंड जरूर देख लेना, राइट, क्योंकि वहां पे आपको ढेर सारी स्कीम्स आई हैं बाय द वे। तो वहां जाके आपको सारी स्कीम्स नहीं याद रहेंगी, एज सिंपल एज दैट, राइट, आपको ट्रेंड ही याद रहने वाला है, और वो भी ट्रेंड ही पूछते हैं, ठीक है। मेरे को ना अपना आधार कार्ड दे देना, उस पर फोटो लगा के आपका पेपर भी दे आऊंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। डैशबोर्ड पे, ठीक है, अब उसमें जाओगे ना नीचे में ministryofsocialjustice.gov.in, ये मैं लिख दूंगा, ठीक है जी, आप यही वाला ले जाना यार। वहां पे ना इस सबके लिंक्स हैं, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, कितना कुछ आ रहा है मेरे मन में बोलने के लिए, बताओ, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। वो एक मूवी थी ना, कौन सी मूवी, जिसमें वो इंटेरोगेट करने जाता है, शायद वो, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मूवी, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है ना, हॉलीवुड मूवी है उसमें वो, तो जब वो डील करने जाता है ना, तो सारे इंटेरोगेशन वाले कैमराज होते हैं, लेकिन चूंकि वो पर्सनल कुछ बात हो जाती है तो वो कैमराज ऑफ कर देता है, और फिर जो बात होती है उसी के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड होती है। तो मेरी समझ रहे हो हालत, नहीं समझ रहे, ये कैमरा ऑफ करना चाह रहा हूँ मैं। मैं फिर बात करना चाह रहा हूँ इस पर। चलिए चले आगे थोड़ा सा। साइंस एंड टेक का देख लेते हैं थोड़ा सा, राइट। अभी रिसेंटली जापान ने एक रॉकेट लॉन्च किया है, H2A, तो इसको IIA नहीं पढ़ना, इसको 11A नहीं पढ़ना, इट इज H2A। और इस रॉकेट के ऊपर बेसिकली दो प्रोजेक्ट्स साथ में गए हैं, वन इज योर स्लिम, विच इज बेसिकली स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, एक मून लैंडर है, राइट। इसके अलावा वी हैव एक्सरिज्म, दिस वन है ना, एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, राइट, ये पहले डिटैच हो गया था, और दैट पर्टिकुलर रॉकेट इट वेंट ऑन है ना, और वो मून पे लैंड करेगा, राइट। सो दिस इज द पर्टिकुलर न्यूज। हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज फर्स्ट में ही बिल्कुल, दैट इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन, हाँ, नासा एंड जैक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, राइट। एक्सरिज्म मिशन के अंदर अगर आप जो सेकेंड लाइन है वो पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन एम्स टू ऑब्जर्व एक्स रेज। इसके बाद में जो हमने पहले वो स्पेक्ट्रम देखा था ना, जिसके अंदर एक्स रेज, इंफ्रारेड, और इसको ऐसे लाइन में लगाया हुआ था, वो बहुत बार एक्टिव हुआ है इस बार, राइट। तो देर इज अ हाई चांस कि PCS के अंदर बहुत ही आसान सवाल उसके ऊपर आ जाए, तो वो पर्टिकुलर उसको वेवलेंथ के हिसाब से, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से है ना, याद कर लेना। एंड आई विल ऑल्सो से कि उसको उस एक्सटेंड तक याद कर लेना कि कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ किसकी होती है, राइट। एक बारी बैठने की देर है, एक बारी में आपको याद हो जाएगा, एंड इट इज डन फॉर यू गाइस, तो वो सब दोबारा देख लेना। अगेन इसमें थर्ड पॉइंट में गिवन है कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, वही करते हैं सारे, स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हर एक एंटिटी का एक डिस्टिंक्ट फुटप्रिंट होता है स्पेक्ट्रम के ऊपर, तो उस हिसाब से हम एंटिटी को पढ़ सकते हैं। है ना, कैसे, मतलब वो अगेन आई थिंक बुल्ले शाह की लिखी हुई लाइन है वो, अल्लाह हुदा आवाज़ा आवे कुल्ली नी फकीर दी विच्चों, है ना, ये लाइन है। तो आपको पता भी नहीं होगा कि कुल्ली के अंदर कौन है, बट इस आवाज़ से आपको पता लग जाएगा अंदर क्या है, राइट। द सेम वे स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स, कि यू आर ट्राइंग टू मेजर सर्टेन थिंग्स, तो उससे पता लगेगा कि इसके अंदर है क्या, राइट। ऑल राइट, दो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर, रिजॉल्व एंड एक्सटेंड, नीचे गिवन है उसके ऊपर, पेज नंबर 8 के ऊपर लास्ट में गिवन है, ठीक है। और क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सरेज ऑब्जर्व करेगा,
ठीक है, अगर आपसे सवाल आएगा तो इसके ऊपर आएगा। नेक्स्ट वी हैव द लैंडर, ऑलराइट। हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक में कि ये जो पर्टिकुलर मिशन है दैट इज बिटवीन नासा एंड जैक्सा, राइट। देर इज अनदर अपकमिंग मिशन जो कि इसरो एंड जैक्सा का होने वाला है एंड दैट इज ऑल्सो अ लूनर मिशन, राइट। सो लेट्स राइट समथिंग अबाउट दैट। सवाल उस पर आएगा, इस पर तो शायद वो ना ही पूछे। PCS वाले पूछ सकते हैं, हाई चांस है, वो लोग पूछ लेते होते हैं किसी भी देश की मिसाइल, किसी भी देश का कुछ भी पूछ लेते हैं वो। मतलब बेसिकली जो उनके हाथ में मैगजीन लगेगी, जो वो पेज खोल लेंगे, जो सामने दिख गया उसका आंसर आ जाएगा, उसमें आ जाएगा क्वेश्चन। दैट इज इसरो लूपेक्स मिशन, कैपिटल में LUPEX, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स। जॉइंट मिशन बिटवीन जैक्सा एंड इसरो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। हाँ जी अरमान, क्या हो गया इतना उदास क्यों हो रहा है? मैं यही हूं, वो परेशान ही हो गया बेचारा, मिस हो गया। क्या मिस हो गया अरमान आपका? हो गया? अरे यार, इतनी सी बात का इतना दुख मनाया तुमने, यहाँ मेरा दिल बैठ गया। मैं कहा पता नहीं बेचारे का क्या मिस हो गया। चलिए, द मिशन एम्स टू सेंड अ लूनर रोवर, रोवर मिशन होने वाला है ये, द मिशन एम्स टू सेंड अ लूनर रोवर, एंड अगर रोवर जा रहा है तो लैंडर भी होगा, एंड अ लैंडर to explore the south pole region. Of the moon तो नहीं लिखवाने की जरूरत, ठीक है, थैंक यू। By 2024, इसरो का काम इसके अंदर लैंडर प्रोवाइड करने का है, रोवर और रॉकेट दोनों जैक्सा के होने, लिख लीजिए इसरो डैश लैंडर, क्योंकि अब तो हम मास्टर हो गए हैं उसके, वही सबसे मुश्किल काम है, लैंडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वहां पे। जैक्सा H3 लॉन्च व्हीकल एंड रोवर। तो जैसे आपको पहले बता रहा था कि चंद्रयान 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चंद्रयान 3 के अलावा आदित्य L1 जो कि कम कवर हुआ है न्यूज में, और गगनयान अपकमिंग मिशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसरो लूपेक्स, ये चंद्रयान 3 से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे अगर फन लेना है फिर तो चंद्रयान 3 पे बात कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आपको इस वजह से ना ऑनलाइन वीडियोस भी चंद्रयान 3 के ऊपर ज़्यादा मिलेंगी कि ये फलाने फलाने इंस्टीट्यूट है वो इस पे बनाते हैं, है ना। अंदर की बात आपको मैं बता दूँ, वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कीवर्ड्स उस समय सर्च हो रहे होते हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर प्रेपरेशन, राइट, तो धोखा नहीं खाना है वहाँ पे। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज, और कंट्रीज के साथ में इसरो का क्या कौन कौन से टाइप है, इट इज जस्ट एन इंडिकेशन कि कहाँ को जाने वाला है ट्रेंड, और आप जब पढ़ रहे होंगे तो इन चीजों को खासकर फोकस करना है। ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट्स गगनयान, ऑस्ट्रेलिया सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट्स गगनयान, बाय होस्टिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटी। यह भी लास्ट ईयर वो हुआ था ना, एक मेमोरेंडम साइन हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसका पार्ट था ये बाय द वे। इसरो एंड इटालियन स्पेस एजेंसी,
बाय द वे इसको ए एस आई लिखते हैं, उनको लोकल इटालियन लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, सो इट इज़ ब्रैकेट में लिख लो ए एस आई, इटालियन स्पेस एजेंसी, बच्चे इसमें बाय होस्टिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटी। इसरो एंड इटालियन स्पेस एजेंसी आर कोऑपरेटिंग इन अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रोबोटिक्स। बस ये दो बहुत हैं अभी फिलहाल के लिए, इसके अलावा कोई आता है तो मैं आपको बता दूंगा। मैं स्लिम के बारे में हमने देख लिया है ना, इट्स अ लैंडर राइट जो मून पे अभी जा रहा है। ऑलराइट, सेवंथ टॉपिक पे आइए बच्चे। एक बार आप लोगों की क्लास है इसके बाद, कितने बजे? ठीक। पौने पांच बजे हैं। अच्छा अच्छा, क्या आपने डिसाइड कर लिया पहले ही? अच्छा किया, मेरा काम कम हो गया। मैं क्या तो 15 मिनट की क्यों, अपन 20-22 मिनट की रखते हैं ना, तो चाय बनने में भी टाइम लगता है। वो किसी का मट्टी खाने का मन करेगा तो वो भी नीचे से लानी पड़ेगी, है ना। खोलो पेज, पेज नंबर 6 पे आ जाओ एक बार। तीन घंटे है नहीं तुम्हारा, वो वाला सीटिंग टाइम अभी बना नहीं ना, बैठते नहीं हो इसका मतलब तुम घर पे। वो एक कहावत है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये भी अच्छा पॉइंट है वैसे, ही सेड डोंट वरी। इसके पीछे की साइकी को समझो, आई एक्चुअली डोंट वरी। व्हाई? बिकॉज अगर आप लोगों की सिलेक्शन होती है, मैं पहले भी आपको ये चीज बताई है राइट, यू आर द वंस हु आर गेटिंग द पोस्ट, यू आर द वंस हु आर गेटिंग द सैलरी, आई लिटरली हैव नो वरी एट ऑल राइट। मेरे को वरी होती है कि जो हम कर रहे हैं पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करके आओ, बस, क्योंकि मेरा एक काम है यहाँ पे आपको डिलीवर करने का। इफ़ आई एम ऑनेस्ट टू डैट, आई लिटरली आई डोंट वरी, है ना। आप उसके बाद मैं खंबा भी चेक कर सकते हो, चाहे जो आपका मन है आप कर सकते हैं। लेट्स सी दैट मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर परस्पेक्टिव प्लान। सी, हम जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे ना एक डिफेंस एक ऐसा एरेना रहता है जो कि कम रेजोनेट करता है आपके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। सोच के देखो, डिफेंस एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना थोड़ा सा अलग ही चलता है, उसमें रेजोनेंस की कमी है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में और आपके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। हमारी जो रोड्स हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे रोड्स हैं, क्यों बना रहे हैं हम रेल रोड्स, क्यों बना रहे हैं उस जगहों पे? डिफेंस पर्पसेस के लिए, एंड साथ में हम उसके सिविलियन के लिए भी उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। हाउएवर, गवर्नमेंट सिविलियन है और वो सिविलियन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है। प्रॉब्लम क्या है कि रेजोनेशन नहीं है, इट्स नॉट रेजोनेटिंग करेक्टली। सो ये जो पर्टिकुलर थिंग है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर परस्पेक्टिव प्लान राइट, सो ये एक कॉन्फ्रेंस है राइट जो कि 2 साल में एक बार होती है। तो नेवी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स से जोड़ने के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो अगर हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और साथ में डिफेंस की बात करना चाहेंगे, सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल कम एज एन एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सी कि ये करना क्या चाह रहे हैं राइट। सो फीचर्स ऑफ MIPP, सिंक्रोनाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, किस किस की? नेवी की और आपके नेशन की, है ना। ये नेवी के परस्पेक्टिव से है ये सारी चीज, ये पूरी स्कीम। नेक्स्ट इज कंप्लायंस विद द ब्रॉडर पॉलिसीज राइट। ब्रॉडर पॉलिसीज के अंदर उसने एग्जांपल दिया हुआ है आपका PM गतिशक्ति प्रोजेक्ट राइट। गतिशक्ति प्रोजेक्ट्स आपकी 16 मिनिस्ट्रीज का मिला के एक प्रोजेक्ट है राइट। तो वो गतिशक्ति बेसिकली वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी और इस सब से रिलेटेड है। एनीथिंग दैट टेक्स टू डिलीवर समथिंग
उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, हब्स, ये वो, एनीथिंग, वो सब कुछ गति शक्ति के बीच में आता है, राइट? ऑलराइट, इसको आप रीड कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा है कि गति शक्ति के ऊपर कुछ लिख लेना चाहिए, क्या बोलते हो? ये तो आपके सामने है ही है, आप लोग समझ तो जाओगे इसको, है ना? डूइंग इट बिकॉज यू विल बी गिवन 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है? अदरवाइज 5 बजे तक भी चला सकता हूं मैं, है ना? चलिए, पीएम गति शक्ति, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं पीएम गति शक्ति में तो जनरली बंदा मिस कर जाता है। क्या है गति शक्ति? इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग 16 मिनिस्ट्रीज टुगेदर, फॉर इंटीग्रेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। आपने पहले देखा होगा ना ये, कि अभी अभी सड़क बनी है और फिर बाद में उनको याद आता है कि यार पाइप तो डालनी भूल ही गए थे, सड़क खोद देते हैं, नीचे पाइप डलेगी, क्योंकि वो किसी और का काम है, है ना? रोड बनाना किसी और का काम था। नाउ दिस पोर्टल विल हेल्प कि यार प्रायोरिटी में काम हो, अगर पाइप पहले डलनी है तो खुदाई पहले होगी, राइट? उसके बाद में सड़क बनेगी, तो ये पर्टिकुलर पोर्टल उस चीज को एफिशिएंटली करता है। बाकी सब कुछ तो आप देख ही लोगे, मैं आपको मेन मेन चीज बताता हूं इसमें। अब क्योंकि 16 मिनिस्ट्रीज है, फिर भी कोई तो इसको मॉनिटर करेगा। द प्रोजेक्ट विल बी मॉनिटर्ड अंडर DPIIT, डिपार्टमेंट पर्सोनल वाली नहीं है, ऑफ प्रमोशन, हाँ, ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पीएम गतिशक्ति मतलब बहुत सारे मल्टीपल एरियाज को कवर करता है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है बाय द वे। DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने 11 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अनाउंस कर रखे हैं, वो बनाने हैं, राइट? इसके अलावा 109 फार्मा क्लस्टर्स भी इसके तहत बनेंगे। वी हैव एनहेंसिंग 4G कनेक्टिविटी टू विलेजेस, वो भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का काम है। सो अपने लेवल पे प्लीज़ रीड अबाउट द 6 पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति, यह आपके मेन आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। 6 पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, बट आप पढ़ना इसको अपने लेवल पे ही। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल एंड डायनामिक। यार जैसे प्रायोरिटाइजेशन, मैंने आपको वो सड़क वाला एग्जांपल दिया कि पानी की लाइन डालनी है या कोई लाइन डालनी है तो पहले प्रायोरिटी में क्या होगा, राइट? एनालिटिकल में डेटा ड्रिवन होगा, डायनामिक में कि सारी मिनिस्ट्रीज एक दूसरे का काम देख पाएंगी, वो है रियल टाइम के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। चलिए, पेज नंबर 9, है सागरमाला भी वही करना चाह रहा है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है प्रोजेक्ट आपका, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। 16 मिनिस्ट्रीज हैं, 16 मिनिस्ट्रीज के अंदर आपकी ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी इंक्लूडेड है, इवन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, रोड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। अम्ब्रेला स्कीम है ये, इसके ऊपर सवाल ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा, इस टाइप का नहीं आएगा अरमान, थोड़ा अलग किस्म से अप्रोच करना है इस टॉपिक को। पिछले कुछ सालों से यूपीएससी अवार्ड्स के बारे में पूछ रहा है ना, तो अभी रिसेंटली ये अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में किसको मिला था और क्यों मिला था,
है ना, और पीसीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी तीन कौन है जिनको मिला था, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और क्यों मिला था। ठीक है जी, कौन सी कंट्री लिखा तो नहीं हुआ यहाँ पे कहीं पे, कहीं फिर चीटिंग करो तुम। हाँ, कौन सी कंट्री में रजिस्टर्ड है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, फिलीपींस की है ये, राइट। इवन जो रेमन मैक्सेसे थे, ही वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ फिलीपींस, राइट। इसका भी सवाल आ सकता है आपको, बाय द वे, ये आपके एचपी के पेपर में या पंजाब के पेपर में, हु वॉज रेमन मैक्सेसे, या पूरा नाम आई थिंक डेल फेरेरो, रेमन डेल फेरेरो मैक्सेसे ही पूरा नाम था उनका, राइट। तो आ सकता है कि कौन थे, सो ही वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ फिलीपींस, राइट। सो इंडिया में ये जिनको मिला, दैट इज रवि कन्नन, ही इज एन ऑनकोलॉजिस्ट। ऑनकोलॉजिस्ट अगर बहुत आसान भाषा में कहें तो कैंसर स्पेशलिस्ट, ठीक है जी। ऑनकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन एक्चुअली डॉक्टर से थोड़ी ऊपर होती है, बिकॉज ही इज द वन हु ट्रीट्स कैंसर एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द मेडिकल केयर, आगे पीछे जो इस अलावा लगती है। इनको अवार्ड इसलिए मिला था, अगर आप लास्ट पेज देखेंगे, अगेन इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इसको बहुत लाइट हार्टेडली पढ़ सकते हैं आप। एज अ रिजल्ट द कंप्लायंस रेट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इंक्रीज फ्रॉम 28% टू 70%, दैट इज वाई इनको ये अवार्ड मिला है। लेट्स राइट अबाउट द अदर रेसिपियंट्स, लेट्स। कोरवी रक्षंद, के ओ आर वी आई, कोरवी, आर ए के एस एच ए एन डी, ये बांग्लादेश से है, कंट्री बांग्लादेश। फॉर डेवलपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, ये कीवर्ड्स बता रहा हूं आपको, ये आपको मैच द फॉलोइंग में ही आएगा। फॉर डेवलपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, इन बांग्लादेश लिखने की शायद जरूरत नहीं है। यूजीनियो लेमोस, ई यू जी ई एन आई ओ, ई यू जी ई एन आई ओ स्पेस एल ई एम ओ एस, यूजीनियो लेमोस, ई यू जी ई एन आई ओ एल ई एम ओ एस, टाइमोर लेस्ते कंट्री, टी आई एम ओ आर डैश एल ई एस टी ई, एल ई एस टी ई, टाइमोर लेस्ते। ये देख लो यार एक बारी मैप पे, इसकी बॉर्डरिंग बुडरिंग भी देख लेना, सारी पूरा कर लेना कवर इसको, इसका मैप कहाँ पे है, कौन सी बॉडीज के बीच में है। इनके लिए पंजाब भी मुश्किल ही है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, सच्चा सौदा है इनका भी, टू वे स्ट्रीट। फॉर एफर्ट्स इंश्योरिंग एडिक्वेट फूड, कहाँ निकली, पता है क्यों करवाई एक्टिविटी तुमसे मैं, ये जो अवार्ड है ना रेमन मैक्सेसे अवार्ड, इसको एशियाज नोबल प्राइज बोलते हैं, तो ये कंट्री एशिया से बाहर होगी ही नहीं, राइट। एंश्योरिंग एडुकेट फूड एंड प्रमोटिंग कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, तो एनवायरमेंटलिस्ट है काइंड ऑफ। लास्ट इज मिरियम कॉर्नेल फेरर, एम आई आर आई ए एम, मिरियम, एम आई आर आई ए एम, मिरियम कॉर्नेल, सी ओ आर ओ एन ई एल, फेरर, एफ ई डबल आर ई आर, कॉर्नेल और फेरर के बीच में हाइफन है, फिलीपींस से हैं। फॉर नॉन वायलेंट पीस बिल्डिंग टेक्निक्स, फॉर नॉन वायलेंट पीस बिल्डिंग टेक्निक्स, बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेट्स स्पेंड 30 मोर सेकेंड्स इन राइटिंग अबाउट रमन मैक्सेसे के बेसिक बेसिक पॉइंट्स अबाउट रमन मैक्सेसे अवार्ड। एस्टैब्लिश्ड इन 1958,
बिकॉज रमन मैक्स इसे डाइड इन 1957, दैट्स व्हाई स्टार्टेड इन 1958 कॉल्ड कॉमा या नेक्स्ट पॉइंट रेफर्ड टू एज एशियाज इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज, एशियाज इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज. Named after the former president of Philippines. जब कम्युनिज्म का थ्रेट बढ़ गया था राइट तो उस समय पे ही वॉज अ की प्लेयर इन फिलीपींस, दैट इज वाई इनके इस पे आ रहा है, नाम पे आ रहा है. और इसकी जो कैटेगरी है दैट इज एज सिंपल एज की कोई भी सोशल काम अगर हो रहा है दैट इज इट्स कैटेगरी, ऐसा सच कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज नहीं है इसमें. एनी कॉन्ट्रीब्यूशन दैट मेक्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. बाय द वे रमन मैग्सेसे अवार्ड के ना मैं जब लिस्ट देख रहा था उसमें चार ऐसे नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए अदर देन दिस, बस वो लिखते हैं फिर चलते हैं. पॉपुलर रेसिपियंट्स ऑफ द अवार्ड इंडियन की बात कर रहा हूं मैं. नंबर वन पे विनोबा भावे, विनोबा भावे 1958, कैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है पता ही होगा आपको. VINOBHA BHAVE विनोबा भावे 1958. मदर टेरेसा इंडियन सिटीजन थी 1962, सिर्फ पॉपुलर नाम बता रहा हूँ बहुतों को मिला हुआ है. सत्यजीत रे 1967, ₹2019 में एक मिला था अवार्ड फॉर जर्नलिज्म. एनी कोई नाम बता सकता है उसका? रमेश कुमार 1967 उनको मिला था जर्नलिज्म लिटरेचर एंड आपका क्रिएटिव कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली आर्ट्स. रमेश कुमार को जर्नलिज्म के अंदर मिला तो इसकी कोई कैटेगरी नहीं है. सो अगेन ऑनलाइन बच्चों जिनको आंसर भेजना है दिस इज द ईमेल आईडी, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और पिक्चर और समथिंग या याद ही रख लो. ऑल राइट थैंक यू सो मच. ठीक है बच्चे थैंक यू. आपके जो आंसर्स हैं आप जाते हो ना रिसेप्शन से कलेक्ट कर लेना ठीक है, जो पिछली बार वाले जो पढ़े हैं मेरे पास थोड़े से वो रिसेप्शन पे मिल जाएंगे आपको. So that is all about today's lecture. I hope कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके prelims और mains में कुछ relevance के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से you will definitely be having an edge over a major population of India who is preparing for the same examination right now. Let me tell you about the current affairs master course 2024. इस course के अंदर आपको basically तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट यू गेट वीकली पीडीएफ्स, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है. लास्ट यू गेट वीकली टेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो.
अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट, जिद से जीत तक।